और राजधानी देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से रुपये बरामद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता के घर पैसे निकले हैं, उससे अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सांसद जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार गया हो और उसे कांग्रेस बार बार राज्यसभा भेज रही हो, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में संसद के साथ साथ कांग्रेस भी दोषी है। और इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिसकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल पहले रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हों, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर आरोप लगाने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ना भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है। दूसरी तरफ प्रधान मोदी जी की एक गारंटी है जो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर भ्रष्टाचार को चीर की सलाखों के अंदर पहुंचाना मोदी जी की गारंटी है। अगर कांग्रेस के एक सांसद के पास इतना पैसा है तो आप कल्पना करिए कांग्रेस के बाकी के सांसद जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्ष राज किया, उनकी क्या स्थिति होगी। आज मैं मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो राहुल गांधी कुछ बोल पाए, ना कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोले, ना सोनिया जी कुछ बोली, कोई टिप्पणी नहीं है। क्योंकि टिप्पणी करेंगे तो सारी पोल पट्टी यही धीरा साहू कांग्रेस की खोलने वाला है। और जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल पहले कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में भूलने का कोई नैतिक अधिकार है? आप खुद ही बताइए, इस बात का जवाब दे देना। बंगारू लक्ष्मण ने क्या कैमरे के आगे रिश्वत ली थी कि नहीं ली थी? आज हमको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे व्यक्ति पर अगर पकड़ा गया तो कानून है, उसका कानून के खिलाफ कार्रवाई करें। हम किसी को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार जो करेगा उसको जो सजा मिलेगी वो ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। हम भाजपा की तरह भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार को पल्लवित और पोषित करने का काम नहीं करते हैं।